हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर से एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी के जॉब रिगार्डिंग नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों को सारे जानकारी जो है डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। इसके अलावा आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन जो है हर रोज़ मिलता रहेगा। फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ पे डिलीवरी के बॉय के अलावा और भी बहुत सारे जॉब रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है तेरा ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बारे में पूरा जानकारी जो है आप लोगों को देने वाला हूँ। 2021 में फ्लिपकार्ट जैसे एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करने के मौका फिर से दिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट के अंदर से डिलीवरी बॉय के पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। इसके अलावा अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब के जो है पोजिशन निकला हुआ है। इसके अलावा आप लोग ई कॉमर्स साइट जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट के अंदर जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे भी फैक्ट्री के अंदर भी काम करने की मौका दिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते, सब कुछ देख लेते। तो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के लिए अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे जो है पोजीशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को स्पेशली डिलीवरी बॉय के जॉब के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है विथ वैलिड लाइसेंस, मोटर व्हीकल के जो वैलिड लाइसेंस होता है अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। एप्लीकेशन करने के लिए आपका पास जो है एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एप्लीकेशन करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपका जो है एज लिमिट 18 to 30 इयर्स के आसपास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए भी एज रिलैक्शन आपको मिल जाएगा। डिलीवरी बॉय की जॉब जो निकला हुआ है 4th मार्च 2021 से शुरू हो गया है एप्लीकेशन, जो कि ऑनलाइन में होना चाहिए हो रहा है, एंड 31 दिसंबर 2021 तक जो है आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि कंपनी की ओर से ये दिया जा रहा है कि बिना कोई एप्लीकेशन फ़ीस के आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग 20,000 से 58,000 तक आपको सैलरी जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहिए। तो चलिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है जिसको आप लोग ओपन कर लेता हूँ, उसके पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ओनली ऑन इंटरव्यू के बेस के ऊपर आपको जो है यहाँ पर जॉब मिलेगा। कोई भी आपको जो है अदर स्टाफ मतलब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद ही आप लोग जॉब पा सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए फ्लिपकार्ट के जो करियर ऑप्शन है आपको इस पेज में आना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग कुछ इस तरह की एक जो इंटरफेस है आप लोग देख पाओगे। यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुआ है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, डाटा एंट्री, एसोसिएट डायरेक्टर, बिजनेस मैनेजर, जीएल एंड आर्किटेक्ट, ऑपरेशन इंजीनियरिंग 3 एंड सीनियर एसोसिएट पीपल ऑपरेशन मैनेजर, टैक्सेशन सीनियर मैनेजर, टैक्सेशन मैनेजर लर्निंग, इस तरह की बहुत सारे पोस्ट जो है इंडिया में जो कंट्री जो है यहीं इंडिया में जहाँ जहाँ पे इसका ब्रांचेस है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आपको जॉब वैकेंसी मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन किस तरह से करना है। एप्लीकेशन करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर के जो ऑफिशियल जो यहाँ पे देख सकते हो, जिसको मैं ओपन कर चुका हूँ, इसको इस तरह से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने चला आएगा, जहाँ पे आप लोगों को पूरा जानकारी दिया जाएगा क्या चाहिए क्या नहीं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो इस पोस्ट के लिए बीटेक कंप्लीटेड कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे डाटा एनालिस्ट की पोस्ट है, ओपन पोजिशन जो है 1। तो इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सिंपली नीचे जाना होगा। सिंपली नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दिया जाएगा, जैसे कि देख सकते हो लोकेशन रहेगा बेंगलोर, चार्टर्ड अकाउंट, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए,
अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा जिसके ऊपर आपका रिज्यूम, आपका नेम देना होगा, ईमेल एड्रेस देना, फ़ोन नंबर, जेंडर देना होगा, करंट लोकेशन दे के आपको सबमिट करना होगा। बहुत ही ईजी फॉर्म है, आपको सिर्फ इस फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करना होगा। देन आपको कंपनी की ओर से पूरा जानकारी मिल जाएगा एंड आपको इंटरव्यू की डेट भी पता चल जाएगा, जिसे इंटरव्यू को जाके आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो। तो वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हो। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज के लिंक भी नीचे दिया जाता है, वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक चीज़ की जानकारी दे दूँगा।